Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum students. Main Zafar Ali Shah, aapka chemistry teacher. Students, hum solids chapter ko discuss kar rahe hain jisme humne mukhtalif type of solids ko discuss karna hai. Theek hai? Jisme se hum pehle ye classification karte hain ki solids are of two types. Jisme hum crystalline solids ko aur amorphous solids ko discuss karte hain. Crystalline solids wo hain students jiske particles ki arrangement jo hogi three dimensional specific hogi. Amorphous solids wo hain jiske particles irregularly arranged honge. Theek hai students, phir hum amorphous crystallines ki amorphous substances ki bhi wazahat karte hain aur crystalline substances ki bhi kuch properties ke lihaz se wazahat karte hain. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो है द फैक्टर्स अफेक्टिंग शेप ऑफ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस या स्पेसिफिकली अगर हम देखें फैक्टर्स दैट अफेक्ट द शेप ऑफ एन आयोनिक सॉलिड. कौन से फैक्टर आयोनिक सॉलिड की शेप को अफेक्ट करेंगे? ठीक है, जिसमें से फर्स्ट दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम अगर आप सुनते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये है कि चार्जेस, और स्टैटिक का मतलब है स्टेशनरी. जब पॉजिटिव या नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चार्जेस हों, उनमें अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, तो वो अगर स्टेशनरी हो, मोशन नहीं कर रहे लेकिन अट्रैक्शन है या रिपल्शन है उनके दरमियान, उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो हम कूलम्स लॉ की बेस पर एक्सप्लेन करते हैं. थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कूलम्स लॉ के लिहाज से एक्सप्लेनेशन करते हैं. थ्योरी में ये है स्टूडेंट्स के आयंस आर अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ये तो क्लियर है ये बात. फिर उसके बाद है कि दीज आयंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, मतलब ये है स्टूडेंट्स के अगर ये आयंस जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन. कूलम्स लॉ है जिसको हम एफ कूलम्बिक कह सकते हैं. ठीक है, एफ फोर्स को कूलम्बिक कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करेगा, तो कूलम का वर्ड यहां पर आएगा, इसके साथ यह नाम आएगा क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. स्टूडेंट्स, की वन जो है यहाँ पर आप कंसिडर कर लेंगे, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इन दिस केस दिस इज सोडियम आयन, क्यू टू जो है नेगेटिव आयन है, इन दिस केस क्लोराइड आयन, और आर स्क्वायर जो है या आर जो है या दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू आयन्स. यहाँ पर हम आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि अगर इन दो आयन्स पर चार्जेस ज्यादा हो, ठीक है, चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो और उन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कम हो, तो जो आयोनिक बॉन्ड है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होंगी. ठीक है, इस फैक्टर में अगर आप देखें इस इक्वेशन में कि कूलम फोर्स का आर के साथ डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, लेकिन आर के ऊपर स्क्वायर भी है. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम दो आयंस के दरमियान डिस्टेंस को यूनिट कम करें या यूनिट बढ़ा दें, वन यूनिट से बढ़ा दें या कम कर दें, तो उसके लिहाज से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होंगी वो टू टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होंगी. कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट का ये मतलब है. ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, उतना जो फोर्स होगा उनके दरमियान वो ज्यादा स्ट्रांग होगा. जैसे अगर हम देखते हैं कि वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव की अट्रैक्शन है, और इसी तरह टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव की अट्रैक्शन है, तो टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर है, इसलिए जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये तो कूलम्स इक्वेशन की हमने बात की, दोबारा स्टार्ट ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर द फोर्सेज विच आर प्रेजेंट बिटवीन द अपोजिट और सेम आयंस when they are in stationary condition. ये तो हो गई बात. अब हम कहते हैं कि ionic forces जो है ये stronger forces हैं. अब जितनी ज्यादा forces of attraction stronger हो, ionic forces stronger हो, lattice energy उतनी ज्यादा होगी. What is lattice energy?
हम कहते हैं कि ये वो एनर्जी है जब वन मोल ऑफ आयंस कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब अगर हम सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड आयन की बात करें, या जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी आयंस हो, वन मोल कंडीशन में हो, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी जब टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव, क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी स्टूडेंट्स। इसलिए जो लैटिस एनर्जी होगी फिर उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसको हम लैटिस एनर्जी कह सकते हैं। या तो एनर्जी जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी रिलीज होगी, जब उस बॉन्ड को हमने तोड़ना है एब्जॉर्ब होगी, उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा स्ट्रांग हो, लैटिस एनर्जी उतनी स्ट्रांग होगी। इस स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से या ग्रेटर लैटिस एनर्जी की वजह से आयंस जो होंगे, पार्टिकल्स जो होंगे, वो स्ट्रांगली या क्लोजली पैक्ड होंगे, जिसकी वजह से उस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक शेप होगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी। सेकंड फैक्टर जो है रेडियस रेशो है, ये याद रखें स्टूडेंट्स के जो रेडियस रेशो है, दिस इज वन ऑफ द रूल ऑफ पॉलिंग्स रूल। पॉलिंग का नाम आपने सुना है, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर जो इस जो था पॉलिंग ने एक्सप्लेन किया था, और उसने एक स्केल दिया था जिसकी बेसिस पर हम एटमों को इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। पॉलिंग्स रूल है स्टूडेंट्स। अब पॉलिंग जो रूल्स हैं, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट में जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की स्ट्रक्चर को, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को स्टडी करने के लिए एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी टेक्निक यूज होता था। तो साइंसदान उन दिनों एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी के ग्राफ से इन सब्सटेंसेस की स्ट्रक्चर को वाजह नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो उससे पहले कि क्रिस्टेलोग्राफिक ग्राफ को वाजह कर देते, वो एक प्रपोज्ड शेप या एक प्रपोज्ड पार्टिकल्स अरेंजमेंट देते किसी सब्सटेंस के लिए। ठीक है, अब उसी थ्योरेटिकल या प्रपोज्ड स्ट्रक्चर की बेस पर वो उस ग्राफ को एक्सप्लेन करते, ना कि ग्राफ की बेस पर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जाता। रिवर्स कंडीशन थी कि उस प्रपोज्ड स्ट्रक्चर की बेस पर ग्राफ को एक्सप्लेन किया जाता। तो उसमें पॉलिंग्स ने कुछ रूल्स दिए थे, जिसमें से सिंपल एक रूल ये है, रेडियस रेशो। रेडियस रेशो है क्या, आर पॉजिटिव डिवाइडेड बाय आर नेगेटिव, या आर स्मॉल डिवाइडेड बाय आर कैपिटल, या स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ये आर पॉजिटिव जो है, या इस केस में स्मॉल आर जो है, ये पॉजिटिव आयन को रिप्रेजेंट करेगा, आर नेगेटिव जो है ये नेगेटिव आयन को रिप्रेजेंट करेगा। इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट रिप्रेजेंट सोडियम आयन एंड इट रिप्रेजेंट क्लोराइड आयन, एंड सेम इज द केस विद कैपिटल एंड स्मॉल आर। कैपिटल आर नेगेटिव आयन को रिप्रेजेंट कर रहे, जो स्मॉल आर है, जो छोटा आर है, ये पॉजिटिव आयन को रिप्रेजेंट कर रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आयोनिक क्रिस्टल्स जो है, उसमें से आपको पता है कि पॉजिटिव आयन होंगे और नेगेटिव आयन होंगे। जो नेगेटिव आयन्स हैं उनको हम एनायंस कहते हैं, और जो पॉजिटिव आयन्स हैं उनको हम कैटायंस कहते हैं। अब सोडियम क्लोराइड की केस में, इसलिए बार बार सोडियम क्लोराइड डिस्कस किया जा रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इसी चैप्टर में एग्जाम्पल के तौर पर एक्सप्लेन किया गया है। तो सोडियम क्लोराइड की केस में सोडियम पॉजिटिव आयन्स को, विच आर कैटायंस, सिक्स साइड से नेगेटिव आयन्स ने, विच आर एनायंस, सराउंड किया हुआ है या ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नॉर्मली ये बात की जाती है रेडियस रेशियो में कि पॉजिटिव चार्जेस आर स्मॉलर इन साइज व्हाइल नेगेटिव चार्जेस आर बिगर या लार्जर इन साइज। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर सोडियम एटम की हम बात करें, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं, 3 शेल्स हैं। सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 2 शेल्स रह जाएंगे, 11 प्रोटॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूक्लियस का होल्ड या न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो बढ़ जाएगा, और आयन का साइज स्क्वीज होगा, छोटा होगा। इसी तरह नेगेटिव आयन की केस में जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काज होगी, जिसकी वजह से एटम का आयन का साइज बढ़ जाएगा। अब इस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए, इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि हमने बात की कि सोडियम आयन, अगर फर्स्ट कर लें हम इस सेंटर में सोडियम आयन कंसिडर कर लें, तो फ्रंट साइड से बैक साइड से, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम,
ये क्लोराइड्स नेगेटिव आयंस होंगे। अब ये नेगेटिव आयंस अगर एक साइड पर सारे एग्रीगेटेड होंगे, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, एक दूसरे के रिपल्शन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे अनस्टेबिलिटी कॉज होगी। तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाते हैं, जैसे हमने विस्पर थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस मैक्सिमम डिस्टेंस पर जब चले जाते हैं तो होगा क्या, पार्टिकुलर आयन जो होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव आयन हो, ये एक स्पेसिफिक नंबर में आएंगे। जैसे सोडियम के सराउंड में 6 नेगेटिव आयन्स होंगे, तो इस एक स्पेसिफिक नंबर आ जाएगा, जैसे 6 है, उस स्पेसिफिक नंबर को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर स्पेसिफिक नंबर है, स्पेसिफिसिटी क्यों होगी, टू अवॉइड रिपल्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कोऑर्डिनेशन नंबर रिलेट करता है साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन से। अगर रेशो पर डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स, अगर कैटायन का साइज ज्यादा हो, एनायन का साइज ज्यादा हो, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो उससे रिलेट करेगा। अगर जनरली हम देखें कि अगर पॉजिटिव आयन का साइज स्मॉलर है फॉर एग्जांपल, और नेगेटिव आयन्स का साइज बड़ा है, तो फिर उस पॉजिटिव आयन्स के इर्द गिर्द नेगेटिव आयन्स की एग्रीगेशन जो होगी वो कम होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कम आएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रेशो के तौर पर जिसको हम रेडियस रेशो कहते हैं, अब सोडियम क्लोराइड इज 0.524, आपकी किताब में 0.54 लिखी गई है वैल्यू, विच इज इनकरेक्ट इन दिस केस। क्यों? क्योंकि आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम इज 0.95 और क्लोरीन या क्लोराइड आयन जो है दैट इज 1.81, डिविजन से हमारे पास 0.52 की वैल्यू आएगी, जो रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को। अब हमारे पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इससे कैसे आएगा, या स्टेबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी स्टूडेंट्स, ये डिस्कशन जो है दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर लेवल। तो इसलिए यहां पर आप सिर्फ ये याद रखें, इसके बाद हम एक छोटा सा टेबल डिस्कस करेंगे जिसमें स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर की वजाहत होगी। आपने सिर्फ इन बातों को याद रखना है कि जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जिसमें हमारे पास ऑक्टाहेड्रॉन बनेगा। ऑक्टाहेड्रॉन का मतलब ये है जिसके 8 फेसेस हो, 8 फेसेस, एक राइट साइड पर, दूसरा लेफ्ट साइड पर, ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रंट में, बैक में, 4 ये हो जाएंगे, और इसी तरह बिलो द एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, ये मार्कर हमारा एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, तो 4 फेसेस ऊपर बन जाएंगे जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और 4 फेसेस बिलो द एक्स एक्सिस बन जाएंगे जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 8 फेसेस होंगे टोटल, लेकिन उसके जो कॉर्नर्स होंगे वो 6 होंगे, जिसको हम हेक्सागोनल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर अगर आयंस की साइज ज्यादा है पॉजिटिव की, या हम उसको स्मॉलर साइज कंसिडर कर लेते हैं, नेगेटिव आयंस की साइज ज्यादा है स्टूडेंट्स, तो उस वक्त फिर हमारे पास जो स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो रेडियस रेशो की वजाहत हो गई और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर की वजाहत हो गई। जो टेबल है स्टूडेंट्स बोर्ड नंबर 2 पे है, आइए देखते हैं और वजाहत करते हैं। स्टूडेंट्स, जो टेबल हमें दी गई है उसमें हम रेडियस रेशो की वजाहत करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिंग्स। पॉलिंग्स ने ये रूल क्यों दिया था, ये इसलिए दिया था, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की स्ट्रक्चर को ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी, क्रिस्टेलोग्राफी वो कंडीशन है कि जिसमें हम किसी सब्सटेंस की, किसी कंपाउंड की क्रिस्टलिनिटी फाइंड करते हैं। क्रिस्टलिनिटी का मतलब ये है कि पार्टिकल्स रेगुलर अरेंज्ड हैं या इरेगुलर अरेंज्ड हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर जो वजाहत करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू पॉलिंग्स रूल करेंगे। अब पॉलिंग रूल के हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं विद इन अरेंज, उसकी वजाहत हम करते हैं। कुछ देर पहले हमने रेडियस रेशो की बात की, जहाँ पर हम पॉजिटिव आयन की रेशो को, की एटॉमिक आयोनिक रेडियस को डिवाइड कर रहे थे विद द आयोनिक रेडियस ऑफ नेगेटिव वैल्यू, जिससे हमारे पास एक रेशो आ जाती। अब वो रेशो अगर लेस देन हो 0.155, तो फिर उस वक्त हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 2।
कोऑर्डिनेशन नंबर आप जानते हैं कि जब पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द जितने भी नेगेटिव आयन्स होंगे उनको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखते हैं स्टेबिलिटी नहीं होगी, अनस्टेबल कंडीशन होगा। या तो हमारे पास ये याद रखें कि पॉजिटिव आयन का साइज नॉर्मली हम कहते हैं कि कम होता है और नेगेटिव आयन का साइज बड़ा होगा। अब अगर हमारे पास दो बड़े नेगेटिव आयन्स हैं, सल्फेट की वजह एग्जांपल आप लोग कंसिडर कर लें, सल्फेट बड़ा आयन है। अब जब दो सल्फेट आयन्स होंगे और उनमें एक छोटा सा पॉजिटिव आयन होगा, तो वो पॉजिटिव आयन जब उन दो नेगेटिव आयन्स के दरमियान में आएगा, क्योंकि हम कहते हैं कि रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स पॉजिटिव आयन तो छोटा है, उसका साइज कम है, तो उसकी वजह से जो नेगेटिव आयन्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव आयन इस काबिल है नहीं कि उनकी रिपल्शन को मिनिमाइज कर सके और उनके दरमियान आ सके, क्योंकि साइज उसका कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं, या एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं कि जब दो फुटबॉल्स के दरमियान हम टेनिस बॉल रख देते हैं, अब टेनिस बॉल का साइज जो है वो फुटबॉल की साइज के मुकाबले में इंतहाई कम है, तो इसकी वजह से जो टेनिस बॉल होगा वो उन दो फुटबॉल्स या उन दो बड़े आयन्स के दरमियान में जो खाली जगह है उसमें आएगा, जिसकी वजह से जो नेगेटिव आयन्स होंगे वो डायरेक्ट कंटेक्ट में आएंगे, डायरेक्ट कंटेक्ट में आने की वजह से रिपल्शन काज होगी, रिपल्शन काज होने की वजह से वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर है। एग्जाम्पल अननोन है इस केस में, ठीक है, पहले दो केसेस में एग्जाम्पल्स आर अननोन। स्टूडेंट्स सेकेंड केस में अगर रेशो हमारे पास रेंज में हो 0.155 से 0.225 तक की अगर वैल्यू हो, रेडियस रेशो हो, तो फिर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 3 होगा। यहां पर भी वही एक्सप्लेनेशन है कि अनस्टेबिलिटी कॉज होगी, क्योंकि पॉजिटिव आयन स्मॉलर इन साइज है, नेगेटिव आयन्स जो होंगे वो लार्जर इन साइज होंगे, उसकी वजह से रिपल्शन होगी, रिपल्शन होने की वजह से अनस्टेबिलिटी कॉज होगी, और अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइगोनल ट्राइंगुलर प्लेनर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल बनेगा और प्लेनर होगा। प्लेनर का मतलब यह है कि सिंगल एक्सिस में होगा, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। जैसे पेज हम उठाते हैं और उसको रख देते हैं टेबल पर, तो वो पेज को अगर हम साइड से देखें तो हमें वो पेज दिखाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि वो टेबल की एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है, सिंगल एक्सिस में है। तो जब इसी तरह तीन नेगेटिव आयंस विच आर लार्जर इन साइज हो और तीनों एक ही एक्सिस में हो पॉजिटिव आयन के साथ, तो तीनों में रिपल्शन मैक्सिमाइज होगी, मैक्सिमम रिपल्शन होगी स्टूडेंट्स, इसलिए वो लेटेस्ट जो होगा वो फिर मुमकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिपल्शन मैक्सिमम होगी, आयन्स एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी होगी वो उस सिस्टम में बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने, इन आयन्स ने, इन तीनों आयन्स ने आउट ऑफ द प्लेन जाना है, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये प्लेनर से अगर आउट ऑफ द प्लेन कंडीशन में चला जाता है, फर्ज कर लें एक आयन जो है नेगेटिव वो एक्स एक्सिस में चला जाता है, दूसरा वाई एक्सिस में चला जाता है, तीसरा जेड एक्सिस में चला जाता है, तब रिपल्शन मिनिमाइज होगी और जो स्टेबिलिटी होगी वो उसमें आ जाएगी, लेकिन फिर शेप की जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब होगी हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है उसमें से रेशो 0.225 से लेकर 0.414 तक अगर रेशो हो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, 4 हमारे पास या 4 नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयन को ऑक्यूपाई करेंगे, स्टेबिलिटी होगी उसमें फिर, और टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होगी। अब टेट्राहेड्रल जियोमेट्री जो है स्टूडेंट्स, सीलिंग फैन जो है, अगर आप उसको देखें, पॉजिटिव आयन सेंटर में होगा, अब पंखे के जो पर हैं 3 और वो जो सपोर्ट है जो छत के साथ लगा हुआ है वो एक्सिस हैं, और उन एक्सिस पर मौजूद है नेगेटिव आयन्स। अब ये नेगेटिव आयन्स आउट ऑफ द प्लेन है एक दूसरे से, ठीक है, जिसमें से 3 एक प्लेन में है और चौथा जो है वो अलग प्लेन में है,
ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम कहते हैं कि तीन जो है वो एक्स एक्सिस में है, विच इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, जैसे मीथेन की केस में हमने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, यहां पर मैं ट्राई करूंगा कि टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री को ड्रॉ कर सकूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अगर हम कहते हैं कि दिस इज पॉजिटिव आयन, तो फिर ठीक है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव आयन को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द पॉसिबल डायग्राम, जैसे सीलिंग फैन है स्टूडेंट्स, या विस्पर थ्योरी से, या शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में आप देख लें टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री मीथेन मॉलिक्यूल की केस में है, वहां पर आपको वजाहत हो जाएगी। तो यहां पर चार या फोर कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका मतलब ये है कि फोर नेगेटिव आयंस होंगे और स्टेबिलिटी यहां पर पॉसिबल है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो नेगेटिव आयंस है दे आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस, रिपल्शन मिनिमम है। और नेक्स्ट जो है उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास वो जो रेडियस का रेशो है वो 0.14 से लेकर 0.734 तक हो वो रेशो, तो फिर स्टेबिलिटी होगी और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है उसके लिए एग्जाम्पल जो है वो जिंक सल्फाइड है एंड कॉपर क्लोराइड है। जिंक सल्फाइड एंड कॉपर क्लोराइड, जिंक जब पॉजिटिव आयन की फॉर्म में होगा तो उस पर डबल पॉजिटिव चार्ज होगा। जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिंक की 3d10 4s2, तो इसके 4s से जब दो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे स्टूडेंट्स तो डबल पॉजिटिव चार्ज उस पर अपीयर हो जाएगा। अब डबल पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए डबल नेगेटिव की जरूरत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह सल्फाइड आयन इन द फॉर्म ऑफ सल्फर 2 नेगेटिव एक्ट करेगा ताकि जिंक की जो पॉजिटिव चार्ज है या डेंसिटी है उस पर न्यूट्रलाइज कर सके। इसी तरह कॉपर जो है डबल पॉजिटिव आयन की फॉर्म में है और क्लोराइड जो है सिंगल नेगेटिव आयन की फॉर्म में है, तो डबल पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए डबल नेगेटिव आयंस चाहिए। तो इसी तरह दो क्लोराइड आयंस मौजूद है स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री उनकी है या स्ट्रक्चर जो है दैट इज टेट्राहेड्रल। रेशो की वजाहत हो गई 0.14414 से लेकर 0.734 और उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए दैट इज 6 और जो ज्योमेट्री होगी जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा स्टूडेंट्स, जिसमें से इसी तरह की तकरीबन अरेंजमेंट होगी स्टूडेंट्स, जिसमें से पॉजिटिव आयन सेंटर में होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक आयन नेगेटिव अबव द प्लेन होगा और दूसरा बिलो द प्लेन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक आयन जो होगा वो उसके लेफ्ट साइड पर होगा और दूसरा राइट साइड पर, तीसरा फ्रंट में और चौथा हमारे पास जब आएगा वो बैक में आएगा। तो हमारे पास इस किस्म की अरेंजमेंट बन जाएगी, जो पॉजिटिव आयन होगा वो सेंटर में होगा स्टूडेंट्स, दो फेसेस इसी तरह बन जाएंगी और दो उसके अपोजिट, इसी तरह दो नीचे और दो उसके अपोजिट, तो टोटल हमारे पास 8 फेसेस होंगी स्टूडेंट, ठीक है, जिसको हम ऑक्टाहेड्रॉन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम क्लोराइड इंशाल्लाह इस चैप्टर में एक्सप्लेन हो जाएगा, तो वहां पर आपको समझ आ जाएगी कि जब हम क्रिस्टल लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड डिस्कस करते हैं तो सोडियम आयन इस रूम को कंसिडर कर लें स्टूडेंट्स, इसमें सोडियम आयन सेंटर में होगा, राइट साइड पर क्लोराइड आयन होगा, लेफ्ट साइड पर क्लोराइड आयन होगा, बिहाइंड द सोडियम क्लोराइड आयन होगा, इन फ्रंट ऑफ द सोडियम क्लोराइड आयन होगा, बिलो सोडियम आयन क्लोराइड आयन मौजूद होगा एंड अबव द सोडियम आयन क्लोराइड आयन मौजूद होगा, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल या ऑक्टाहेड्रॉन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा एग्जाम्पल है उसके साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट जो रेशो है दैट इज 0.734:1, उसकी केस में फिर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, स्टेबिलिटी होगी और सिंपल जो स्ट्रक्चर है उसका क्यूबिक होगा। सिंपल इस रूम को कंसिडर कर ले जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो कॉर्नर्स पर मौजूद हैं, ना फेसेस पर मौजूद है और ना उसकी
सेंटर में मौजूद हैं, ठीक है। और एग्जांपल है सीजियम क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, थर्ड फैक्टर जो है हमारे पास, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये है स्टूडेंट्स के अगर हमारे पास कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है किसी आयोनिक सब्सटेंस का, एग्जांपल पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, वट एवर, जो भी आप एग्जांपल कंसिडर कर लें, हम जनरली बात करेंगे यहाँ पर कि अगर हमारे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हो और उसको हमने परफेक्टली क्रिस्टलाइन बनाना है, उसका सोल्यूशन हो परफेक्ट क्रिस्टलाइन, का मतलब यह है कि पार्टिकल्स थ्री डायमेंशनली रेगुलरली अरेंज हो, तो हमने क्या करना है, उस सॉल्यूशन को अलाउ करना है टू कूल डाउन, लेकिन हमने ऐसे नहीं करना है कि हमने उसका हीट जो है वो डायरेक्ट रिमूव करना है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स जो होंगे वो जिस जगह पे मौजूद होंगे, जिन पॉइंट्स पर मौजूद होंगे, जिनको हम लैटिस कहते हैं, उसी पर, उसी जगह पर ही वो रह जाएंगे, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो होगी इररेगुलर होगी। ग्लास जो है, विंडो ग्लास स्टूडेंट्स, ये अमॉर्फस इन नेचर है, जिसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनको हम डायरेक्टली ठंडा करते हैं, हीट डायरेक्टली रिमूव करते हैं, जो पार्टिकल्स होंगे वो इररेगुलरली उस लैटिस में रह जाते हैं, ठीक है। लैटिस का वर्ड थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट के लिए, या लैटिस पॉइंट्स जिसको हम कहते हैं कि जहां पर पॉइंट्स जो पार्टिकल्स होंगे उसी पॉइंट पर मौजूद होंगे, उसको हम लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। तो इस केस में टेम्परेचर का इफेक्ट ये होगा कि हमने सब्सटेंसेस को अलाउ करना है कि वो खुद ब खुद हीट लूज करे विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट। तो जब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी तो क्या होगी, वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होगी, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड टू बी कूल्ड वेरी स्लोली, अगर हमें ये चाहिए और मैंने आपको वाजह कर दिया। आयंस फाइंड देयर प्रॉपर पोजिशन इन लैटिस, होता क्या है अगर हम इनको स्लोली कूल डाउन करें, जो पार्टिकल्स होंगे, जो आयंस होंगे, वो अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए उनको टू मिनिमाइज द रिपल्शन, और सो टेम्परेचर हैज अ मार्क्ड इंपैक्ट इन दिस वे। अगर आपसे पूछा जाए वाइवा में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, क्या टेम्परेचर का इफेक्ट क्रिस्टलिनिटी पर है या नहीं है, तो आपका आंसर यस होना चाहिए। कैसे है, इस प्रोसेस की वजाहत कर दे कि अगर हम उस सब्सटेंस को डायरेक्टली कूल डाउन करेंगे, हीट रिमूव करेंगे, तो पार्टिकल्स जो होंगे वो जिस पोजीशन पर होंगे बस वहीं पर ही रह जाएंगे, लेकिन अगर हम उसको स्लोली कूल डाउन करें तो वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू देयर कोऑर्डिनेशन नंबर्स। और आखिरी इफेक्ट जो है, दैट इज इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी। अगर हमारे पास उस सोल्यूशन में जिससे हम बना रहे हैं वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसमें अगर इम्प्यूरिटीज मौजूद हो, दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स मौजूद हो, तो वो इम्प्यूरिटी जो होगी, या तो वो लेटेस्ट पॉइंट को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, या उन दो लेटेस्ट पॉइंट्स के दरमियान, जिसको हम कह सकते हैं कि इंटरस्टिसेस या इंटरस्टिशियल स्पेसेस में वो आएगा, जो डिफेक्ट कॉज करेगा उसको हम क्रिस्टल डिफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इम्प्यूरिटी उन होल्स को, उन एम्प्टी स्पेसेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, जिससे उस सब्सटेंस की क्रिस्टलिनिटी और उसकी जो अपीयरेंस है या जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड हैं उससे, वो मुतासिर हो सकती है। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग शेप ऑफ एन आयोनिक सॉलिड या क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।